कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में? नहीं नहीं, उसके लिए क्या क्लिक कर रहा है, हमारा तो अभी ठीक हो जाएगा तो अभी कुछ कर सकते, अभी तो जरा हमारी पार्टी का सब लोग जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा उपचुनाव के प्रचार में नहीं जाएंगे। जी हां, आज चित्रगुप्त पूजा है और इस अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है पटना में, वहां पर पहुंचे थे रणवीर नंदन। काय समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनके आमंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और वहां पर जो मीडियाकर्मियों ने सीएम से ये सवाल किया कि क्या आप चुनाव प्रचार जो मोकामा और गोपालगंज में हो रहा है वहाँ पर जाइएगा या फिर नहीं जाइएगा, तो इस पर सीधे तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे पार्टी के सभी लोग तो जा ही रहे हैं, फिर मेरे जाने का क्या औचित्य है। और साथ ही साथ उनका जो स्वास्थ्य है वो भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, बीते दिनों जो उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको जो चोट लगी है उसके चलते शायद इस बार नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं जा पाएंगे। देखिए ये पूरा वीडियो किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो पहुँचे हैं चित्रगुप्त मंदिर और वहाँ पर क्या क्या बातें रख रहे हैं। सर माइक ऊपर करिए। अरे यार, कहाँ माइक लगा है सर? सर सर मुख्यमंत्री सर, सीएम सर, मुख्यमंत्री जी हर साल आप आते हैं? जी हर साल आते हैं, हम बड़ा खुशी की बात है। समझिए कि प्रसन्नता होती है, आते ही हैं, अब तो इनको ही इस बार जिम्मेवारी मिली हुई है। इसके पहले और लोग जो थे जिम्मेवारी में थे, उन सब लोगों के साथ हमारा संपर्क रहता था और आप जानते ही हैं कि जब पहली बार ये पूरा का पूरा एरिया अंग्रेजों के ज़माने में बना था उसी समय यहाँ ये मंदिर बना था। आज से बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। चुनाव चुनाव प्रचार में जाने को लेकर के भी चर्चा है कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में? नहीं नहीं, उसके लिए क्या क्लिक कर रहा है, हमारा तो अभी ठीक हो जाएगा तो अभी तो कुछ कर सकते, अभी तो जरा हमारे पार्टी का सब लोग जाएंगे। सर भारतीय करेंसी में सर देवी देवताओं के मूर्ति को शामिल करने की बात आ रही है करेंसी में, नोट में, इंडियन करेंसी में। कुछ लोग तो क्या क्या करते रहता है, फोटो लीजिए, तुम लोग हट। तो धीरे धीरे अब ये दृश्य जो है वो साफ होते जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के दोनों प्रत्याशी यानी मोहन प्रसाद गुप्ता जो गोपालगंज से लड़ रहे हैं और नीलम देवी बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी जो मोकामा से राजद प्रत्याशी हैं, इन दोनों के चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचेंगे। हालांकि बात करें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की, तो ललन सिंह कल पहुंचे थे मोकामा, वहां पर बदाबते चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया है और उसके बाद कुछ तीखे सवालों का उनको सामना भी करना पड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य के कारणों से, और उनके पार्टी के कई नेता ऐसे हैं, बड़े नेता, दिग्गज नेता जो जाकर मोकामा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कोई औचित्य नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा जाएं या फिर गोपालगंज जाएं और वहां पर चुनाव प्रचार जीते। लेकिन इसी बीच सीएम ने ये बात भी कही कि हमारी जीत सुनिश्चित है, पक्के तौर पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मोकामा और गोपालगंज जीत रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ, मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।